अमृत वेले में जब रोज योग में बैठती हूँ, ये मेरा रोज है, मैं सदैव आप सबके तरफ से एक दो मिनट बाबा को कहती हूँ। कहा जाता सुमत देव भगवान, बाबा आप सबको सभी को इतनी श्रीमत की शक्ति देते चलो जो सब श्रेष्ठ बने, कोई नीचे नहीं आए। फिर मैं कभी पूछती हूँ क्या ये मेरी प्रेयर में, कहती हूँ ये मेरी शुभ भावना है, सर्वश्रेष्ठ बनो, कोई नीचे नहीं आओ, कोई अपना अथवा बाबा का नाम बदनाम नहीं करो। अति इंद्रिय सुख में रहो योगी माना, अपनी मस्ती में रहो, मौज में रहो, सुख में रहो, कभी करवे बोल बोल के दिल को दुख नहीं। कोई कहीं मेरे से कोई पूछते दादी आपसे सहन नहीं, क्या नहीं सहन होता, ये मेरे से सहन नहीं होता, कोई किसको दुख देता, इसमें मैं शायद कमजोर हूँ, ये मेरी वीकनेस हो, मैं किसका दुख नहीं देख सकती, मेरी दिल भर आती है, कोई किसी को दुख देता मेरी दिल भर आती है और नहीं आती है। फिर कभी कभी खुद को मजबूत करती हूँ, परंतु कभी कभी ये मेरी थोड़ी शायद कमजोरी है, कोई किसी को दुख देता वो मेरे से नहीं सहता, क्यों देवे। अरे मीठे बोल बोल के दिल खुश करो, दिल को दुख नहीं दो। कोई को दुख देना ऐसे समझती हूँ कि जैसे कि बाबा को दुख मिलता है, क्यों बाबा के बच्चे है ना, बाबा के लकी लवली लाल है ना। आज कोई कड़वी सब्जी बने खा सकेंगे नहीं ना, लेकिन टोली मीठी मिलेंगी तो सब खाएंगे ना, तो हम मीठी टोली खावे मीठी मीठी, हम कड़वी चीज किसको न खिलावे, न खाए न खिलावे। और संगम पर अरे क्यों नहीं, कभी कहते दादी तुम सबको ये आइसक्रीम आइसक्रीम खिला करके खराब करती हो, मैंने कहा अभी न खराब होंगे तो कभी होंगे, खूब खाओ, दिल से खाओ। अरे मधुबन घर में न खाएंगे तो और कहाँ खाएंगे, जो खाओ क्यों नहीं खाए। बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई खाओ, पहली तो खाओ दिल खुश मिठाई, फिर क्यों नहीं, और यहाँ भी ये भी दिल खुश मिठाई खाओ। हमारी तो दिल होती दिल खुश मिठाई खिलावे, रसगोला खिलावे, सब पर कुछ भी है, ये तो एक दिल है, लेकिन मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं, जो चाहिए। मधुबन में हम आते ही है, होली दुनिया में होली बनने और होली खेलने जी, हमारी क्लास अच्छी है, नाचो गाओ खुशी के गीत। लेकिन हाँ एक बात फिर मैं कहती हूँ, आज के बाद आप सभी ये जरूर एक चार पांच वायदे है बाबा से रखो। एक तो हम अपनी मन मत से नहीं चलेंगे, श्री मत ही हमारे प्यारी जीवन का श्रृंगार है, जो बाबा ने श्री मत दिया है चलो तो श्रेष्ठ बने। श्री मत पर चलने वाले को दुआएं मिलती है, वरदान मिलती है, आशीर्वादें मिलती है, शक्ति मिलती है, सच्चे रहते हैं, साफ रहते हैं, तो खुशी के गीत गाते हैं। इसलिए हम कहती हूँ एक तो पीसफुल रहो, दूसरा लवफुल रहो, तीसरा रियल रहो, रियल कहो राइट कहो जो भी कहो, चौथा बाबा से फेथफुल रहो, पांचवा सदा हम गार्डली स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट, उसमें रहो दूसरी बातों में नहीं रहो। हम कैसे समझती हूँ, जितना हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं उतना हम बहुत शक्तिशाली बनते जाते हैं, और ये पढ़ाई
मुरली से मैं देखती हूँ आप सभी का बहुत प्यार है। एक दिन मुरली न सुनो तो आप लोग को भी बहुत लगता है कि आज मुरली नहीं सुनी, सच्ची बात। अरे मुरली जादू है, मुरली से न प्यार रखेंगे तो कौन से प्यार रखेंगे। अब फिर जब यहाँ से जाओ भी कहाँ, आपको मैंने बताया हमेशा ये समझो हम है फरिश्ते, हम है राजयोगी, हम है ऋषि, हम है होली हंस और हम है गादरी सूत। ये गादरी योगी के लक्षण जानते, ऋषियों के लक्षण जानते, हंसों के लक्षण जानते, तो हम सभी वो है। फिर रहो फरिश्तों की दुनिया में। बस कई बार मुझे दिल में बहुत होता है बाबा इतना 8 घंटा, अरे पता नहीं कौन सी दुनिया में धंधे दोरी नौकरियों में जाना पड़ता, समय आएगा बाबा इनसे भी मुक्त कर ले, आएगा धीरज धरो, इन नौकरियों टोकरियों से भी बाबा कभी मुक्त कर लेगा, वो भी टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा इन सब से भी हमको मुक्ति मिल जाएगी जी। हम तपस्या करेंगे कहाँ भी दादी, जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन, जहाँ बैठो जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन है। पता है मधुबन में भी आकर के क्या नहीं सब रह के करेंगे, भले रहो जी, खुश हो गए हाँ धीरे धीरे वो भी आएगा दिन, हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा, ऐसा भी समय आएगा बाबा इन सब झंझटों से भी हमें मुक्त कर देगा, बस तपस्या करो वो दिन भी आएगा।